अब देखो ये डायग्राम देखे अगर, कनेक्ट हो जाओ फटाफट आ जाओ। अब देखो ये है व्हीटस्टोन सेतु, कहते किसे हैं? तो ये क्या होता है, एक चतुर्भुजीय संयोजन होता है जिसमें चार प्रतिरोध होते हैं। चार प्रतिरोध कौन से, P हो गया, Q हो गया और यहां पर R, और ये आ जाएगा S। ठीक है, ऐसा संयोजन जिसमें चार प्रतिरोध हो, चार में से तीन तो क्या हो, ज्ञात हो, एक अज्ञात प्रतिरोध हो, उसको बोलेंगे व्हीटस्टोन सेतु। तो ये पहले डायग्राम बना लेना, यहां पर हमें लिख देंगे A और यहां पर B, C और ये D, और इसके बाद यहां पर धारामापी, और धारामापी के साथ में यहां पर एक कुंडी लगा देंगे, ये कुंडी, ये K1 है और ये कौन सी है, K2 है, और ये एक सेल है जिसका विद्युत आवेश E है। नहीं दिखाई दे रहा तो बता देना, और अब इसमें जो करंट है, विद्युत धारा है, वो I है, और यहां से यहां तक ये I1 हो जाएगी, और यहां तक भी ये I1, फिर दूसरी है I2, और ये भी होगी कौन सी, I2। व्हीटस्टोन सेतु का अपने पढ़ रहे हैं विद्युत परिपथ में, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखो कौन कौन से हैं, PQ है, RS है, और ये सेल है, ये कुंजी K1 है, ये कुंजी K2 है, और ये इसने से बना रखा है, ये है धारामापी जी। पहले डायग्राम बनाओ सर साथ में, व्हीटस्टोन से अब इसमें देखो क्या है, जो PQ प्रतिरोध है वो है श्रेणी क्रम में, ऊपर देखो जो PQ प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में, और RS है वो भी क्या है, श्रेणी क्रम में, RS प्रतिरोध है वो भी किसमें है, श्रेणी क्रम में, लेकिन आपस में ये कैसे है, समांतर क्रम में। पहले डायग्राम समझ लेना बेटा अच्छी तरह से, क्या बता रहा हूं उसमें, अपनी जो हेडिंग है वो है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो पहले व्हीटस्टोन सेतु कहते किसे हैं, कि ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन जिसमें चार प्रतिरोध है, कौन से, P, Q, R और S, इसमें तीन प्रतिरोध मतलब P, Q और R, ये तो हमेशा होते हैं ज्ञात प्रतिरोध, और ये जो S है इसको क्या बोलेंगे, अज्ञात प्रतिरोध। तो ये तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन जिसमें चार प्रतिरोध है, चार में से तीन तो क्या हो, ज्ञात हो, और एक क्या हो, अज्ञात, तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन सेतु। अब इसमें देखो पी और क्यू ये ऊपर है, तो पी और क्यू प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, इसी तरह R और S ये भी आपस में कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में, लेकिन आपस में अगर ऊपर नीचे की बात करेंगे तो ये कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो ये एक बार लिख लो इतना सर, पी और क्यू तो श्रेणी क्रम में है, और R और S भी क्या है, श्रेणी क्रम में, लेकिन आपस में ये ऊपर नीचे कैसे होंगे, वो समांतर क्रम में। ये लिखना है एक बार, PQ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, RS प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, लेकिन आपस में ये कैसे होंगे, समांतर क्रम में। उसके बाद में ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट है कुल धारा है इसमें I है, डायग्राम में उड़े लिखना तुम्हें, कुल धारा यहां पर ये क्या है, I है। अब ये दो भागों में बढ़ जाती है, किसमें, I1 में और I2 में, तो ये दो भाग हो जाएंगे, एक तो I1 और दूसरा हो जाएगा I2। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको AB और BC मतलब PQ को अनुपाती भुजाएं बोलते हैं, PQ को अनुपाती भुजाएं बोलते हैं,
जो नाम है उसके अकॉर्डिंग सबका नाम अलग अलग होगा। तो ये पी क्यू मतलब ए पी और बी सी इनको क्या बोलेंगे, अनुपाती हो जाए। और ये होगी ए डी, ए डी को क्या बोलेंगे, ज्ञात प्रतिरोध भुजा, ज्ञात प्रतिरोध भुजा। और ये हो जाएगा सी डी, इसको बोलेंगे अज्ञात प्रतिरोध भुजा, सी डी को बोलेंगे अज्ञात प्रतिरोध भुजा। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो वो देना। और बी और डी इसके बीच में लगा हुआ धारामापी, तो बी डी को क्या बोलेंगे, धारामापी भुजा। और उसके बाद में ए और सी के बीच में एक सेल लगा हुआ, इसके इसको बोलेंगे सेल भुजा। ये एक बार लिख लो। बड़ा जहां पर नहीं दिखाई दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा जैसे बता देना मेरे को, बता दूंगा वापस बोल के मैं। ये वाले पॉइंट साथ साथ लिख लेना क्योंकि इसको मिटाऊंगा उसके बाद इसका डेरिवेशन होगा आगे। तो ये पहले पॉइंट लिख लेना, वापस बता देता हूं। पी और क्यू श्रेणी क्रम में, आर और एस श्रेणी क्रम है, लेकिन आपस में कैसे, समांतर क्रम है। कुल धारा आई है, ये दो भागों में बढ़ जाएगी आई वन और आई टू में। फिर पी क्यू भुजा है, इसको अनुपाती भुजा बोलेंगे। ए डी भुजा है, इसको ज्ञात प्रतिरोध भुजा बोलेंगे। सी डी है, इसको अज्ञात प्रतिरोध भुजा बोलेंगे। बी डी है, इसको धारामापी भुजा बोलेंगे। और ए सी इसको सेल भुजा बोलेंगे। ये तो तुम्हें तब लिखना है जब इसकी रचना के बारे में पूछे। और इसमें दो कुंजी है, कुंजी कौन कौन सी है नीचे लिखना है। इसमें कुंजियां है, की है वो कौन कौन सी है, K1 तथा K2। ये होगी K1 और K2। तो ये तुम्हारी होगी रचना होगी और इसकी परिभाषा होगी। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा अगर पूछे तभी लिखनी है, उसके बाद इसकी हो जाएगी रचना। बेटा ये लिख लिया क्या, एक बार बताओ, ये यहां तक लिख लिया कुंजी K1 तथा K2? यस सर। अरे सबने लिख लिया क्योंकि ये रफ कर रहा हूं मैं, इसके बाद डेरिवेशन करेंगे यहां पर, इसलिए। तो ये पॉइंट एक बार लिख लेना, उसके बाद आगे डेरिवेशन बताता हूं इसका। बेटा लिख लिया ना सबने? यस सर। अब देखो इसके डेरिवेशन कैसे होगा वो देख लो। अब देखो इसमें क्या है, ये बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अगर बीबी का मान ज्यादा है बीडी से, बीबी का मान क्या है बीडी से ज्यादा है, तो इसका मतलब जिसका विभव ज्यादा होगा उसकी धारा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब धारा का प्रवाह क्या होगा, बी से डी की ओर होगा। ओम के नियम अनुसार पढ़ा था ना हमने, बी बराबर आई आर, जिसका बी ज्यादा होगा उसका क्या होगा, आई बी कम या ज्यादा होगा। तो इसमें धारा का प्रवाह क्या होगा, बी से डी। तो धारा प्रवाह होगा इसमें बी से डी। अब इसके बाद में हम इसके लिए विभवांतर निकालेंगे। तो विभवांतर कैसे निकालेंगे, तो पहले इसके लिए वी ए माइनस वी बी विभवांतर, मतलब दो बिंदु के लिए, दो बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो ए है, दूसरा कौन सा है, बी है। अब इसका विभवांतर किसके बराबर होगा, इधर वाले के बराबर। तो इसको क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी डी, साथ साथ लिखते रहना एक बार, वी ए माइनस वी डी। पहले तो वी ए माइनस वी डी है, उसके बाद में वी ए माइनस वी डी है। अब देखो बेटा, VA और माइनस VB
बी है। अब डायग्राम देखो, वी ए यहां पर है और बी यहां पर है। अब इसे देखो, धारा कौन सी आई वन है और प्रतिरोध कौन सा पी है। एक बार डायग्राम जो बनाया उसमें देखो, ए से बी तक है जो धारा आई वन है और प्रतिरोध कौन सा है, पी है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, आई वन इंटू पी बराबर। अब देखो वी ए माइनस वी डी, इसके लिए क्या लिखूंगा डायग्राम देखे बताओ एक बार, आई टू आर। तो यहां पर आ जाएगा ये आई टू आर, ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। ये इसके लिए बता रहा हूं, पहले तो बी ए माइनस वी पी है, तो ये ए है और ये बी है, तो इसके लिए धारा कौन सी है आई वन है और प्रतिरोध कौन सा पी है। तो यहां पर क्या लिख देंगे आई वन पी। उसके बाद ले है बी ए माइनस वी डी, तो इसके लिए धारा कौन सी है आई टू है और प्रतिरोध कौन सा है आर है, तो क्या जाएगा आई टू इंटू आर। अब इधर वाले पॉइंट के लिए बात आ जाओ, तो इसके लिए क्या देंगे वी बी माइनस बी सी इक्वल वी डी माइनस बी सी। अब इसके लिए क्या लिखेंगे डायग्राम देख के बताओ देगा कोई भी। वी बी माइनस बी सी के लिए क्या लिखेंगे डायग्राम तुम्हारे सामने, उसको देख के ही बताना है क्या लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, जोर से बोलो तो क्या दिक्कत है, गलत होता है कोई दिक्कत नहीं, बोलो सही। आई वन क्यू हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आई वन और क्यू इक्वल बी डी माइनस बी सी, इसके लिए क्या लिखेंगे आई टू वापिस देख ध्यान से देख एक बार, बी डी माइनस बी सी के लिए पूछ रहा हूं मैं, हाँ आई टू एस होगा। तो यहां पर आ जाएगा ये आई टू एस, ये इक्वेशन हो जाएगी दो। अब क्या करेंगे समीकरण एक में समीकरण दो का भाग लगाने पर, तो समीकरण एक में समीकरण दो का भाग लगा दो तो क्या आ जाएगा आई वन पी अपॉन आई वन क्यू बराबर आई टू आर अपॉन आई टू एस। तो आई वन से आई वन और यहां से आई टू कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा आगे लिख देता हूं पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस। तो एस की वैल्यू निकालनी है तो एस इक्वल क्या आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी। तो ये आ जाएगा तुम्हारा अज्ञात प्रतिरोध एस। अब वापस देख लो, वापस देख लो बेटा, अगर स्टार्टिंग से कोई पॉइंट नहीं समझ आ जाए तो। अब यही फॉर्मूला वापस प्रूव करेंगे लेकिन किरचॉफ के नियम से करेंगे। तो ये 2016 में क्वेश्चन पूछा है, ये नहीं है किरचॉफ के नियम के द्वारा पूछा हुआ है, तो ये एक बार देख लो उसके बाद में किरचॉफ के नियम के द्वारा करेंगे। बेटा ये हो गया तो बता देना अगला इसी को करेंगे किरचॉफ के नियम से। बेटा हो गया क्या सबका कंप्लीट बताओ एक बार। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, ये हेडिंग यही है लेकिन किरचॉफ के नियम के द्वारा है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है किरचॉफ के नियम के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कीजिए व्हीट स्टोन सेतु द्वारा। तो आगे हेडिंग लिखो व्हीट स्टोन सेतु किरचॉफ के द्वितीय नियम द्वारा। अगली हेडिंग लिख लो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लेना, ये 2016 में क्वेश्चन आ चुका है इसका।
अब देखो डायग्राम तुम्हें वापस बनाना है, उसमें मत करना, थोड़ा बहुत चेंज करना है वो मैं बता देता हूं। बस इतना सा चेंज करना, देखो क्या क्या लिखा है। देखो यहां से यहां तक जो धारा है वो तो आई वन है, और ये जो धारा मापी है इसमें है तो धारा है वो है आई जी, और इसके बाद जो बचेगी वो आई वन माइनस आई जी वो किस में जाएगी, बी से सी तक। इसी तरह यहां पर देखो आई टू है और ये भी इसे साथ जाएगी, तो यह आई टू प्लस आई जी आ जाएगी। बाकी डायग्राम सेम ही है, बस इतना सा चेंज कर लो, वापिस बना लो एक बार। क्या चेंज किया देख लेना, आई वन तो वही है, यहां पर जो बीच वाली में वो धारा कौन सी बता रही, आई जी धारा मापी जो प्रवाहित धारा है उसको आई जी प्रतिशत कर दिया, और यहां पर जो बचेगी वो धारा कौन सी हो जाएगी, आई वन माइनस आई जी, और यहां पर जो लिखा है वो नीचे एस के साथ में क्या लिखा है, आई टू प्लस आई जी, क्योंकि आई टू ये करंट आई गई है और आई जी भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों यहां पर क्या जाएगी एड होकर यहां तक जाएगी। ये डायग्राम बना लो वापस एक बार। ये यहां से देखो ए से बी तक है जो धारा आई वन है, देखो डायग्राम एक बार, और बी से डी तक है मैंने क्या करंट बता दी आई जी। अब आई वन इसमें और आई जी इसमें, तो इन दोनों में से जो बचेगी वही तो आगे जाएगी, तभी यहां पर मैंने क्या लिखा आई वन माइनस आई जी लिखा है। और यहां पर देखो ए से डी तक कौन सी है, आई टू है, और बी से डी तक भी आई जी है, तो ये दोनों की ए की डायरेक्शन होके चलेगी, तो यहां पर दोनों एड होके जाएगी, वो हो जाएगी आई टू प्लस आई जी। एक बार डायग्राम बना लेना, उसके बाद बता देना फिर आगे बताओ इसका डेरिवेशन, आगे किरचॉफ के नियम से करेंगे अभी। बड़ा डायग्राम हो गया तो बता देना आगे भी बताएं। हो गया, अब देखो अब वही बात याद करो कल जो मैंने बताई थी किरचॉफ के नियम की, तो उसमें प्रथम लूप इसका ये वाला ले रहे हमने ए बी डी ए, ए बी डी ए, ये देखो एक बार डायग्राम देखो बेटा, ए बी डी और ए। अब मैंने क्या बताया था कल कि इसमें यहां से याद है देखो प्रतिरोध P है और धारा I1 है, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तो I1 P आ जाएगा। कल वाला जो किरचॉफ का द्वितीय नियम बताया था ना उसी के आधार पर है, यहां से याद है देखो I1 धारा है और P प्रतिरोध है, तो I1 P हो जाएगा। अब आ जाओ इधर की साइड, अब जी यहां पर क्या है प्रतिरोध है और आई जी क्या है धारा है, तो यहां पर एक ही डायरेक्ट चल रही है, तो यहां पर क्या लिखेंगे आई जी और जी। ठीक है, अब देखो बी डी से ए तक, डी से ए तक क्या आएगा, एक बार डायग्राम देके बताओ, डी से ए तक क्या लिखेंगे बताओ एक बार, साइन बताओ प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा ये बताओ पहले। कल वाली मैंने तुम्हें एक बात बताई कि देखो ए से बी तक तो आई वन पी होगी, बी से डी आई जी जी होगी। अब देखो जैसे इधर की तरफ चल रहे हैं तो ये यहां पर एरो इसका इधर आ रहा है और अपने चल ऐसे रहे, तो यहां पर इसके विपरीत आ गया, और विपरीत आ गया इसका मतलब नेगेटिव, तो यहां पर आ जाएगा माइनस आई टू आर, और बैटरी नहीं है, नहीं है तो जीरो लगा दो, ये जीरो। वापिस देख लो एक बार किरचॉफ के नियम से कर रहे हैं हमने,
तो प्रथम लूप ADDA वापस देख लो इसको, I1P है प्लस IG और G है, फिर माइनस I2R इक्वल जीरो। बेटा एक बार देख लो, ये चीज समझ आएगी तभी आगे कर पाओगे। अब ये इक्वेशन फर्स्ट कर लो। अब नीचे है संतुलन की अवस्था में IG की वैल्यू जीरो होगी, तो IG की वैल्यू जीरो कर दो अब, तो क्या जाएगा I1P, ये क्या जाएगा जीरो, I2R इक्वल जीरो, तो आ जाएगा I1P बराबर I2R, ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड। ये यहां पर संतुलन की अवस्था में बीच वाले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए IG बराबर जीरो लिखा मैंने। अब ऊपर वाले में IG की वैल्यू जीरो कर दो जहां पर भी IG है, उसके बाद इक्वेशन लिख दो, तो इक्वेशन सेकंड आ जाएगी I1P बराबर I2R। अब देखो बेटा द्वितीय लूप, ये तुम बताओगे द्वितीय लूप के लिए, मैं लिख रहा हूं द्वितीय लूप कौन सा है, सेकेंड लूप है वो कौन सा है, ये ले रहा हूं मैं बी सी डी बी, बी सी डी बी। अब कौन बताएगा इसका किरचॉफ के नियम से, बताओ देखा डायग्राम देखे, मैंने लूप लिख दिया बी सी डी बी, अब नीचे बताओ क्या लिखना पड़ेगा। बी बी से सी तक बताओ, फिर सी से डी बताओ, फिर डी से बी बताओ, सीक्वेंस से चलोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। और तुम्हें बताया दिया कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होगा हमेशा, कोई बता रहा है क्या, बताओ देगा प्रियंका विनोद विष्णु खुशी प्रियंका कुमावत सोनू सुप्रिया अरे हाँ या ना कुछ तो जवाब दो, नहीं तो फिर आगे मैं बताऊं। इधर देखो, देखो इधर देखो, ये अपने बी से सी तक देखो, पहले बी से सी तक है धारा आई वन माइनस आई जी है, तो पहले ये लिख लो आई वन माइनस आई जी, ये लिख लिया। उसके बाद ये प्रतिरोध इसका कौन सा है, क्यू है, तो क्यू से मल्टीप्लाई कर दो ये लो। उसके बाद में सी से डी तक आ जाओ, अब अपने चल तो ऐसे रहे लेकिन डायरेक्शन इसकी ऐसे आ रही है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, अब क्या जाएगा, यह आ जाएगा आई टू प्लस आई जी, और इसका प्रतिरोध कौन सा है एस, तो यहां पर आ जाएगा एस। फिर अब आ जाओ डी से बी तक, अब अपने चल तो ऐसे रहे लेकिन इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहां पर ही माइनस आएगा, तो ये माइनस आ जाएगा आई जी और कैपिटल जी इक्वल जीरो। वापिस देख लो बेटा एक बार, ये चीज समझ आएगी फिर बाद में कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे क्वेश्चन में, नहीं तो यहां पर गड़बड़ हो गया पूरा ही गड़बड़ है। द्वितीय लूप जब वापिस देख लो एक बार डायग्राम में, ये माइनस आएगा भाई, ये ऐसे चल रहे हैं, इधर की साइड चलेंगे तो ये तो इधर आ रहा है ना नीचे की साइड, अपने चल ऐसे रहे अपने मेरे डायरेक्ट, ये जो एरो बनाए इसका मतलब ऐसे चल रहे हैं अपने, ऐसे भी इसमें ऐसे चला था कल, यही तो बात बताई थी भाई, एक ही डायरेक्शन लेनी है दोनों की। द्वितीय लूप समझ आ गया, देख लो एक बार बी सी डी बी, ये समझ आ गया कि इसमें भी क्या करनी है, आईजी की वैल्यू जीरो कर दो, वही संतुलन की अवस्था में आईजी की वैल्यू जीरो। अब बताओ इक्वेशन क्या होगी, इसको इक्वेशन दे दो थर्ड, IG की वैल्यू जीरो कर दो, उसके बाद इक्वेशन क्या आ रही है बताओ देखा एक बार।
बेटा देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तसल्ली से बता दो, तुम्हारे दिखाई नहीं दे रहा तो मेरे को बता दो, सब दिखाई नहीं दे रहा है, एक्टिव होके बैठो आराम से, तब पता चलेगा, समझ के करोगे तब चीज समझ आएगी, रटोगे तो वापिस भूल जाओगे। तो मैंने क्या लिखा पहले, ये वाली इक्वेशन थर्ड इक्वेशन देख लो, समझ आ गई सबके, तब आगे बताओ मैं। हाँ आगे देखो, उसके लिए यह आएगा आई वन क्यू माइनस आई टू एस माइनस जी किसे आएगा, ये तो जी जीरो हो गया ना, ये तो जीरो हो गया, ये तो आएगा ही नहीं, अरे ये तो जीरो हो गया ना, तो ये आई जी को जीरो ऐसे मल्टीप्लाई की जीरो आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, ये आगे जीरो लिख दो। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा आई वन क्यू इक्वल आई टू एस, ये इक्वेशन कर लो अपने फोर्थ। अब वही वापिस सेकेंड इक्वेशन में फोर्थ इक्वेशन का भाग लगा दो, तो आगे लिख रहा हूं मैं समीकरण दो में यहां पर दिखाई दे रहा है, देखा ना चार का भाग देने पर, अब आगे कर लो समीकरण दो में समीकरण चार का भाग दो, देखा ये रहा, ये समीकरण दो है, ये समीकरण चार है, समीकरण दो में समीकरण चार का भाग दो तो ये आएगा देखो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, तो वापिस S इक्वल Q R अपॉन P, अभी जो फॉर्मूला प्रूव किया था वो का वही वापिस आ गया, देख लो। तो ये बेटा 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2021 में चांस है इसके आ सकता है, तो वापिस एक बार देख लो इसको पूरे डेरिवेशन को, जो पॉइंट नहीं समझ आए वापिस पूछ लो। अभी तक इस चैप्टर में चार पॉइंट किए हैं, चार पॉइंट कौन कौन से हैं, किरचॉफ के दो नियम है, व्हीटस्टोन सेतु है, और एक है व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के नियम द्वारा, ये चार पॉइंट में कोई अगर पॉइंट नहीं समझ आए तो बताओ, ये देख लो एक बार, इसमें कुछ पूछना हो तो बता दो। बेटा समझ आ गया तब आप बोल दो, नहीं तो वापस मैं बताऊं, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो। क्यों फिर अभी तुम पूछ लो, नहीं तो बाद में मैं पूछूंगा फिर क्वेश्चन, दोनों में से एक बात करो। अरे सबके समझ आ गया, तेरे हाँ में एक एक का हाँ करने से क्या होता है, सारे बोलो तब आगे बढ़ो। अब मेरे सामने ऑप्शन तो है नहीं, ये मेरे सामने होते तो अलग क्वेश्चन पूछ लेता, अब सामने होने तो यस सर ही मानना पड़ेगा, लेकिन आते ही टेस्ट लूंगा, अगर ये इन चैप्टर के वापस अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो अभी बोल रहा हूं मैं, जिस दिन क्लास स्कूल चलू होगी फर्स्ट पहले पहले टेस्ट लूंगा इन चैप्टरों का, तो इसलिए कोई दिक्कत तो अभी बोल देना सर ये समझ नहीं आया, एक नहीं 10 बार समझा दूंगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, अब अगले वाला जो पॉइंट था, अगला जो पॉइंट करेंगे वो तुम्हारे प्रैक्टिकल का है बेटा, तीन प्रैक्टिकल है इसके, तो अभी तो थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा, प्रैक्टिकल करेंगे तब ज्यादा तुम्हें ज्यादा समझ आएगा उस चीज का, इसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीसरी बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा था। तो अगली हेडिंग है मीटर सेतु, अगली हेडिंग लिखो मीटर सेतु, मीटर सेतु अपने बेटा प्रैक्टिकल है, इसके तीन प्रैक्टिकल होंगे, तीनों ही अपने प्रैक्टिकल करेंगे, तो पहले इसका डायग्राम समझ लो आराम से तसल्ली से,
डायग्राम बढ़ाए बढ़ा रहा हूं आराम से, क्योंकि नहीं तुम्हें ये डायग्राम बना दो। अगर